हम एक्सपो सेंटर लाहौर में इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान एक्सपो हो रही है, वहाँ पर ट्रांसफो पावर के स्टॉल पे मौजूद हैं और फवाद सईद साहब जो कि सीईओ हैं ट्रांसफो पावर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस एक्सपो के हवाले से उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, ये बताइए कि इस एक्सपो के अंदर आप लोग पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस, आज दूसरा दिन है? जी हम पहली बार एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह ट्रांसफो पावर आस्ता आस्ता मार्केट का एक बड़ा, खैर शुरू से एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम था, लेकिन अभी आप लोग अपनी फुटिंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और दीगर इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइंदा के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? आप लोग कुछ और एक्सपेंड, मतलब अपनी चीज़ों को मार्केट करने के लिए कुछ और प्लान्स क्या हैं आप लोगों के जहन में? जी हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स एनर्जी मीटर्स जैसे लीडिंग कंपनी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। इसके अलावा जो हमारा फुटप्रिंट है वो हम ग्रिड्स के अंदर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर, सोलर सॉल्यूशंस के अंदर और अल्टरनेट एनर्जी के अंदर लेके आ रहे हैं, और हमारा काफ़ी फोकस है पूरी एनर्जी फील्ड जो है, जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम अपनी प्रेजेंस लेकर आएँ, स्टार्टिंग फ्राम जनरेशन अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड, सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन और कॉन्ट्रैक्टिंग जो है उसको हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले जल्दी आने वाले वक्त में हम एक की प्लेयर बन जाएंगे टोटल सॉल्यूशन के लिए। वंडरफुल, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर आप एक साइट के अंदर एक मार्केट में आप हैं तो उसके दाएं बाएं के सारे सेक्टर जो हैं उनको आप कवर करें। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, बड़ा अच्छा स्टेप लिया, आप लोग मिडल ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं वहाँ आपको नोटिस करता रहा कि आप वहाँ बड़े बिजी रहे और बड़ी अच्छी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन और लोगों के साथ रही, कैसा ओवरऑल रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का वहाँ पे? ये दुबई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा, हमारी उम्मीदों से बढ़ के अच्छा रहा, और जिस तरह की हमें लीड्स मिली, जिस तरह के हमें वहाँ पर रिस्पॉन्स मिली, वेरी गुड, वी वेरी हैप्पी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू एग्जिबिटिंग अगेन इंशाल्लाह इन दुबई, एंड नॉट ओनली इन दुबई, हम तो बल्कि पाकिस्तान में भी जहाँ पर भी एग्जिबिशन होती हैं वहाँ जाते हैं, कराची में भी जाते हैं, लाहौर में हमने इनके अलावा पहले एग्जिबिशन में भी हिस्सा लिया है, पोगी में एग्जिबिशन में हिस्सा लिया हमने, तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने आप को एग्जिबिट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है फॉर द इंडस्ट्री टू कम एंड विजिट अस, तो वी लुक फॉरवर्ड टू एग्जिबिटिंग इन ऑल सच एग्जिबिशंस इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा फवाद साहब, आपको लगता है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स की जो मार्केट है या जिस सेक्टर के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर मुझे तो अपेरेंटली जो मार्केट से भी फीडबैक मिलता ये है कि ट्रांसफो पावर इज़ द राइट कंपनी के जो ग्रो करते हुए एक्सपोर्ट की तरफ भी बड़ा अच्छा ध्यान दे सकती है और एक्सपोर्ट्स में बड़ी अच्छी मार्केट गेन कर सकती है, आपको लगता है कि ट्रांसफो पावर उस तरफ ही कदम उठा रही है? जी एग्जैक्टली, दुबई हमारा जाना ही ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स दिस। हमने दुबई में जो अपने आप को मार्केट किया, जो पिच की अपनी प्रोडक्ट्स, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपसे अगली बार जब बात करेंगे तो हमारा कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर फाइनलाइज हो चुका होगा इंशाल्लाह। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। थैंक यू जनाब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, तो इस वक्त हम आप बात कर रहे थे फवाद सईद साहब से ट्रांसफो पावर के स्टॉल से इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान एक्सपो में से। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।